हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू कैटजी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट वेलकम बैक, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट। और प्रीवियस क्लास में आपको याद होगा हम लोग पॉलिनेशन को पढ़ रहे थे। पॉलिनेशन क्या होता है, कितने तरह का है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था। और उसमें आपने पढ़ा था पॉलिनेशन इज़ डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरी, सेल पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल पॉलिनेशन का भी दो कैटेगरी होता है, ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी। दोनों में आपने डिफरेंस पढ़ा था। और जिटोनोगैमी फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होता है, लेकिन जेनेटिकली अगर देखा जाए तो ये क्या है, ऑटोगैमी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्लांट है सेम है, तो जो पॉलन ग्रेन आ रहा है वो सेम प्लांट से आ रहा है, मतलब जीनोटाइप सेम है, राइट। फिर हमने आपको तीन प्लांट का नाम बताया था, वायोला, ऑक्सेलिस एंड कॉमेलिना, जो दो तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, कैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। कैस्मोगैमस मींस ओपन फ्लावर, क्लिस्टोगैमस मींस क्लोज फ्लावर। और ये कैसे क्लोज है उसको याद करने का मैंने आपको ट्रिक बताया था, राइट। और आज हम लोग स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं, फिर हम लोग बात कर रहे थे क्रॉस पॉलिनेशन के एजेंट की। उसमें दो तरह के एजेंट आपने पढ़ा था, एबायोटिक एंड बायोटिक एजेंट। तो हमने आपको बताया था कि प्लांट ज़्यादातर कौन सा एजेंट यूज़ करता है, बायोटिक एजेंट यूज़ करता है। और एबायोटिक में कौन से एजेंट होते हैं, विंड और वाटर। तो विंड वाटर में प्लांट ज़्यादा क्या यूज़ करता है, विंड यूज़ करता है, राइट। तो ओवरऑल प्लांट कौन सा एजेंट यूज़ करता है, बायोटिक एजेंट। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कि बायोटिक एजेंट के, बायोटिक जो एजेंट हैं वो क्या क्या हैं। तो हेडिंग देखिए, पॉलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट। तो फर्स्ट है, कॉमन बायोटिक एजेंट्स आर इंसेक्ट सच एज बीज, फ्लाइज, मॉथ, एंट एट्सेट्रा। ये कॉमन बायोटिक एजेंट है स्टूडेंट, जो पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करता है। फिर से, कॉमन बायोटिक एजेंट कौन कौन से हैं, इंसेक्ट, बीज, फ्लाइज, मॉथ, एंट एट्सेट्रा। और मोस्ट कॉमन इसमें क्या होते हैं, मोस्ट कॉमन इंसेक्ट होते हैं। और इंसेक्ट भी मोस्ट कॉमन, इंसेक्ट के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्ज़ाम स्टूडेंट, और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा जो प्लांट यूज़ करते हैं वो क्या है, वो इंसेक्ट है। और इंसेक्ट में क्या है, ज़्यादातर बीज है, करेक्ट। अभी क्वेश्चन है कि जो प्लांट्स इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन शो करते हैं उनकी खास बात क्या होती है, उनकी स्पेसिफिसिटी क्या होती है। तो पहली बात कि वो प्लांट के जो फ्लावर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन शो करते हैं वो लार्ज होते हैं, मतलब काफ़ी बड़े फ्लावर होते हैं। फ्लावर कैसे होते हैं स्टूडेंट, कलरफुल होते हैं, और क्या होता है, रिच इन नेक्टर होते हैं, और क्या होता है, दे हैव फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस का मतलब एक सुगंध वो प्रोड्यूस करते हैं, एक ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं, स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। और इन चारों का क्या एडवांटेज है सोचिए। तो जो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन शो करेगा, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर क्या होगा, लार्ज होगा, और क्या होगा, कलरफुल होगा, और क्या होगा, रिच इन नेक्टर होगा, और हैव फ्रेग्रेंस, यानी वो स्मेल प्रोड्यूस करेगा। स्टूडेंट जो इंसेक्ट फ्लावर पे आता है और फ्लावर का पॉलिनेशन करता है उनको कुछ रिवार्ड मिलना चाहिए। तो उनका जो रिवार्ड होता है वो यही होता है, फ्रेग्रेंस एंड नेक्टर। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं कि नेक्टर इज रिवार्ड फॉर इंसेक्ट्स हु विजिट फ्लावर। जो फ्लावर को विजिट करते हैं उनके लिए रिवार्ड होता है, क्या रिवार्ड होता है, नेक्टर, करेक्ट। तो आपको ये चीज़ दिमाग में बिल्कुल बैठा लेनी चाहिए कि प्लांट ज़्यादातर क्या यूज़ करता है पॉलिनेशन के लिए, बायोटिक एजेंट। और बायोटिक एजेंट में वो ज़्यादातर क्या यूज़ करता है, इंसेक्ट। और इंसेक्ट में मोस्टली क्या यूज़ होता है, बीज, राइट स्टूडेंट। सो यू कैन नोट डाउन द कॉन्टेंट बाय पॉजिंग योर सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि आप एक अपनी कॉपी बना लीजिए, उस कॉपी में जो भी लेक्चर आप अटेंड करते हैं उसको अपने हैंड राइटिंग में एक बढ़िया नोट्स तैयार कर लेंगे, तो आगे जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा।
तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं. यू कैन नोट डाउन द कंटेंट, हेडिंग बनाकर आप इसको नोट कर सकते हैं. अब हम लोग स्टूडेंट कुछ एक्सेप्शनल केसेस डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, और वो एक्सेप्शनल केसेस क्या है. कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, जैसे कुछ केसेस हैं स्टूडेंट. एक फ्लावर है, पहला हम लोग जो देखने जा रहे हैं, ए मॉर्फो फैलस. ए मॉर्फो फैलस फ्लावर है. स्टूडेंट ये दुनिया का सबसे टॉलेस्ट फ्लावर, इट इज टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड. ये पूरे वर्ल्ड का टॉलेस्ट फ्लावर है. इसकी हाइट जो होती है वो लगभग 6 फीट होती है, 6 फीट. आप सोचिए 6 फीट हाइट का फ्लावर कितना ज़्यादा होगा. वेट इसका 15 to 30 kg रेंज होता है. यानी एक फ्लावर 6 फीट का है और उसका वज़न इतना ज़्यादा है. तो सोचिए अगर 10 या 20 फ्लावर का माला बना दिया जाए और किसी लीडर को आप पहनाते हैं, सोचिए उसका क्या हालत होगा. 150 to 200 kg वज़न का फ्लावर, टॉलेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड. तो ये टॉलेस्ट फ्लावर है, ए मॉर्फोफेलस फ्लावर स्टूडेंट. और प्लांट जो ये प्लांट है, इंसेक्ट को एग लेइंग के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है. तो इसका रोल क्या है, इट प्रोवाइड स्पेस फॉर एग लेइंग टू इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स को एग लेइंग के लिए ये स्पेस प्रोवाइड करता है. और बदले में इसका क्या फ्लावर होता है, इसका फायदा क्या होता है इसके फ्लावर का, इन रिटर्न इट इज पॉलिनेटेड. बदले में इसका पॉलिनेशन हो जाता है. तो फिर से समझिए इसको, टॉलेस्ट फ्लावर कौन सा स्टूडेंट, ए मॉर्फोफेलस. और इसका जो हाइट है वो कितना होता है, 6 फीट होता है. और ये क्या प्रोवाइड करता है, स्पेस फॉर एग लेइंग टू इंसेक्ट. और बदले में इसको क्या मिलता है, बदले में इसका पॉलिनेशन हो जाता है. राइट, एक पॉइंट है. दूसरा जो केस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है. मॉथ स्टूडेंट, मॉथ इंसेक्ट होता है. और प्लांट का नाम है यक्का प्लांट. ये बहुत इम्पोर्टेंट है नीट के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए डबल टिक मैंने किया है जो इम्पोर्टेंट है. तो मॉथ इंसेक्ट और यक्का प्लांट जो होते हैं, ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करते हैं. और इनका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग होता है कि ये दोनों एक दूसरे के बगैर अपना लाइफ साइकिल, अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते. दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर. तो मॉथ इंसेक्ट एंड यक्का प्लांट, इसको नोट कर लेते हैं, कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर. ये एक दूसरे के बगैर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाते. एन शो, और ये क्या शो करता है स्टूडेंट, एन शो म्यूचुअल, या आप इसको बोल सकते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप. करेक्ट. तो मॉथ एंड यक्का प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, और शो करते हैं म्यूचुअल या सिम्बियोटिक रिलेशनशिप. अब आइए देखते हैं कि इन दोनों को एक दूसरे से क्या फ़ायदा है. देखिए, जो यक्का प्लांट है, इसके ओवरी के लॉक्यूल में, स्टूडेंट लॉक्यूल का मतलब मैंने आपको बताया था,
ओवरी और ओव्यूल के बीच का जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड लॉक्यूल। तो इसके लॉक्यूल में ये जो मॉथ है यक्का प्लान के लॉक्यूल में अपने अंडे को देता है, मीन्स दे ले देयर एग्स, और उस अंडे से जब लार्वा प्रोड्यूस होते हैं तो वो लार्वा इस प्लांट के फ्रूट से अपने लिए न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, और बदले में इस प्लांट को क्या फ़ायदा होता है, इनका पॉलिनेशन हो जाता है, राइट। तो ये हम लोग नोट कर सकते हैं, यहाँ पे क्या नोट करेंगे, मॉथ ले एग्स इन लॉक्यूल या ओवेरियन लॉक्यूल, या बोल सकते हैं लॉक्यूल ऑफ ओवरी एंड लार्वा, जब एक से लार्वा बन जाते हैं एंड लार्वा ऑब्टेन न्यूट्रिशन फॉर देम फ्रॉम फ्रूट, फ्रूट से अपने लिए न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, राइट। और प्लांट को क्या मिलता है, इन टर्न प्लांट्स, किस प्लांट की बात हो रही है, यक्का इज पॉलिनेटेड, राइट स्टूडेंट। तो दो एग्जांपल आपने पढ़ा, ए मॉर्फोफेलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉथ इंसेक्ट के बारे में, और यक्का प्लांट, ये दोनों अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते विदाउट ईच अदर, क्योंकि म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। और क्या फ़ायदा है, मॉथ जो है वो अपने अंडे को ले करता है लॉक्यूल ऑफ ओवरी में, और लार्वा जो बनते हैं वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम फ्रूट, और बदले में इन टर्न प्लांट जो यक्का प्लांट है दैट इज पॉलिनेटेड। सो यू कैन नोट डाउन द कंटेंट बाई पॉजिंग योर सिस्टम, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, और इसको आप अपने ओन राइटिंग में लिख लेंगे तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। एक तो आपको लिखते लिखते काफ़ी कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी, मेमोराइज हो जाएगा, और दूसरा एक सिस्टमेटिक आपके पास आपका अपना नोट्स हो जाएगा। दो कलर पेन आप यूज़ करेंगे, एक हेडिंग के लिए और एक लिखने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। स्टूडेंट आउटब्रीडिंग जो डिवाइसेस है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है क्या, राइट। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, देखिए इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट, जैसा कि आप देख सकते हैं चैप्टर का जो नाम है अब तक आपको याद भी जाना चाहिए, चैप्टर टू हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या हुआ, एंजियोस्पर्म, यानी जो प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस करेगा दैट इज फ्लावरिंग प्लांट एंड दैट इज एंजियोस्पर्म। तो जो फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं एंजियोस्पर्म में, तो मोस्ट ऑफ द जो फ्लावर हैं वो बाईसेक्सुअल होते हैं। बाईसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ, एंथर और कार्पेल, यानी स्टेमेन और कार्पेल दोनों एक ही फ्लावर में होता है। तो पहला पॉइंट हम लोग नोट करते हैं कि मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है, बाईसेक्सुअल फ्लावर, राइट। मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स प्रोड्यूसेस बाईसेक्सुअल फ्लावर, और जब बाईसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस होंगे तो किस चीज़ के चांसेस ज़्यादा होंगे, आप बताइए, सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा होंगे बाईसेक्सुअल फ्लावर। सो एंड देयर इज मोर चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन।
सो स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है बाईसेक्सुअल फ्लावर, और जब बाईसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसमें सेल पॉलिनेशन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, सेल पॉलिनेशन हो रहा है, उससे क्या होगा? जब सेल पॉलिनेशन लगातार होगा, कंटिन्यूअस होगा, तो प्लांट की फर्टिलिटी कम हो जाती है, राइट? तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, कॉन्टिन्यूअस सेल पॉलिनेशन डिक्रीजेज फर्टिलिटी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की फर्टिलिटी को कम कर देता है, एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। क्या है, क्या पढ़ा आपने इसमें? हम लोगों ने पढ़ा कि मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स प्रोड्यूस करता है बाईसेक्सुअल फ्लावर। बाईसेक्सुअल फ्लावर का मतलब आप समझ रहे हैं, जिसमें स्टेमेन और कार्पेल दोनों एक ही फ्लावर में होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जो बच्चे याद नहीं कर पाते हैं उनके लिए इजी हो जाएगा, समझ नहीं पाते हैं। स्टेमेन प्लस कार्पेल, ठीक है, इन सेम फ्लावर में होगा। और अगर ऐसा है तो यहाँ पे चांसेस ऑफ सेल पॉलिनेशन बढ़ जाता है, और जब सेल पॉलिनेशन का चांस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस सेल पॉलिनेशन डिक्रीज करेगा फर्टिलिटी ऑफ प्लांट, और प्लांट की फर्टिलिटी कम कर देगा तो इस फेनोमेना को क्या बोलेंगे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो प्लांट ये कभी नहीं चाहेगा कि उसका फर्टिलिटी कम हो, तो फिर प्लांट क्या करेगा, कुछ अपने अंदर डिवाइसेस डेवलप करेगा, सिस्टम डेवलप करेगा, जो सेल पॉलिनेशन को रोकेगा, कम करेगा, और क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करेगा। इसी डिवाइसेस को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्लियर? तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को आप डिफाइन कैसे करेंगे, दीज आर डिवाइसेस विच आर डेवलप बाई प्लांट टू सपोर्ट क्रॉस पॉलिनेशन एंड प्रिवेंट सेल पॉलिनेशन, राइट? आई थिंक आप सभी को याद हो गया होगा, तो उसको आइए लिख लेते हैं और इसको डबल टिक कर लीजिए। द डिवाइसेस विच हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग सेल पॉलिनेशन एंड सपोर्ट क्रॉस पॉलिनेशन इज कॉल्ड या और कॉल्ड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्लियर? सो स्टूडेंट, क्लियर हुआ आपको? जो डिवाइस सेल पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेगा और किसको सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करेगा क्रॉस पॉलिनेशन को, उसको बोलेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। और प्लांट ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि लगातार सेल पॉलिनेशन से प्लांट की फर्टिलिटी कम होती जाती है। ओके, सो यू कैन नोट डाउन द कंटेंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कि कौन कौन से आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं और वो क्या प्रिवेंट करते हैं। स्टूडेंट, फोर डिफरेंट डिवाइसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो सेल पॉलिनेशन के डिफरेंट मोड को प्रिवेंट करते हैं, राइट? तो देयर आर हाउ मेनी डिवाइसेस, फोर मेन डिवाइसेस, राइट? तो देखिए, पहला डिवाइसेस क्या है, सबसे पहला डिवाइसेस है, नोट कर लेते हैं पहले, रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंड स्टिग्मा
receptivity is not synchronized, not synchronized. इसका मतलब क्या है कि does not occurs at same time. Yes, student. Second is locations of anther and stigma are different. तो देखिए दो डिवाइसेस जो आपने पढ़े आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वो क्या है, पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहा है और पॉलन ग्रेन रिलीज होने के बाद यू नो ये ट्रांसफर कहाँ होता है, स्टिग्मा पे. स्टिग्मा किसका पार्ट है, कार्पेल का. तो रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी मीन्स स्टिग्मा जो उसको रिसीव कर रहा है, उन दोनों की जो टाइमिंग है वो अलग अलग होगी. मीन्स दे आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, अलग अलग होगी. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक ही टाइम पे पॉलन ग्रेन रिलीज नहीं हो रहा है और एक ही टाइम पे स्टिग्मा उसको रिसीव नहीं कर रहा. जब दोनों की टाइमिंग अलग अलग होगी तो इसका मतलब कि सेल पॉलिनेशन रुकेगा और क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट किया जाएगा, क्लियर. और अगर एक ही टाइम पे दोनों रिलीज हो जाएगा तो तुरंत सेल पॉलिनेशन हो जाएगा. बाईसेक्सुअल फ्लावर है, वहीं पे कार्पेल है, वहीं पे आपका स्टेमेन है, यानी पॉलन ग्रेन वहीं से रिलीज हुआ और वहीं के स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो गया. लेकिन अगर पॉलन ग्रेन के रिलीज होने का टाइम अलग हो और स्टिग्मा के रिसीव करने का टाइमिंग अलग हो तो फिर वो रिसीव नहीं कर पाएगा और सेल पॉलिनेशन रुक जाएगा. सेकेंड पॉइंट क्या है स्टूडेंट, लोकेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा आर डिफरेंट. अगर एंथर स्टिग्मा पास पास रहेगा तो पॉलन ग्रेन इमीडिएट ट्रांसफ़र हो जाएगा और सेल पॉलिनेशन होगा. लेकिन अगर दोनों की लोकेशन डिफरेंट है तो सेल पॉलिनेशन रुकेगा और क्रॉस पॉलिनेशन सपोर्ट करेगा. और ये जो दोनों आपने पढ़ा, ये दोनों डिवाइसेस किसको प्रिवेंट करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं ऑटोगैमी को. ये ऑटोगैमी को प्रिवेंट करते हैं लेकिन जीटोनोगैमी को प्रिवेंट नहीं करते, क्योंकि दूसरे फ्लावर से तो पॉलन ग्रेन आ ही सकता है. तो प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जीटोनोगैमी. जीटोनोगैमी को ये प्रिवेंट नहीं करते, क्लियर. सो यू कैन नोट डाउन द थिंग्स बाय पॉजिंग योर सिस्टम. तो दो डिवाइसेस स्टूडेंट आपने पढ़ा जो ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट करता है बट जीटोनोगैमी को प्रिवेंट नहीं करता है. अब नेक्स्ट हम लोग डिवाइसेस पढ़ने जा रहे हैं जो ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी दोनों को प्रिवेंट करता है. क्या डिवाइसेस है, देखिए सबसे पहला डिवाइस क्या है जो नेक्स्ट है, तीसरा है सीरियल वाइज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी. स्टूडेंट इससे भी इस टॉपिक से एक इनडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आता है, What do you mean by self incompatibility? वन मार्क का क्वेश्चन ही आता है, राइट. तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या है, ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है. जेनेटिक मैकेनिज्म क्या है, इसमें जो रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन है उसको फ्लावर जर्मिनेट करने से रोकता है. यानी फ्लावर जो है वो कंपेटिबल, कंपेटिबल मीन्स राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन को सपोर्ट करेगा और रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट होने से रोकता है स्टूडेंट. इसी को बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, राइट. अगर कोई अनवांटेड पॉलन ग्रेन आ गया तो अनवांटेड पॉलन ग्रेन को प्लांट जर्मिनेट नहीं होने देगा और राइट टाइप को जर्मिनेट होने देगा. तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ जेनेटिक mechanism in which wrong type को बोला गया है इन
कंपैटिबल, और इसी से इसका नाम पड़ा है, देखिए इनकम्पैटिबिलिटी, ओके इनकम्पैटिबल, इसी से इसका नाम क्या पड़ा है, इनकम्पैटिबिलिटी। तो इट इज़ अ जेनेटिक मैकेनिज्म इन विच रॉन्ग टाइप मीन्स इनकम्पैटिबल पॉलन ग्रेन्स आर नॉट अलाउड टू जर्मिनेट। यहाँ पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा ही नहीं, उसको रोक दिया जाएगा, इसी को बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। फिर स्टूडेंट और नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस होंगे तो ऐसे प्लांट को आप क्या बोलेंगे, ऐसे प्लांट को आप बोलेंगे डायसियस प्लांट्स, और इस फेनोमेना को बोलेंगे जो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डायोसी। ओके तो प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर डायसियस प्लांट, और ये जो फेनोमेना है इसको आप बोलेंगे डायोसी। अब देखिए यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो अगर कोई प्लांट या तो मेल फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है या फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप जानते हैं पॉलन ग्रेन कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, फ्रॉम स्टेमेन टू कार्पेल, यानी फ्रूट कहाँ बनेगा, फीमेल प्लांट पे बनेगा। ओके और इसका एक एग्जाम्पल है, आपने पढ़ा भी था प्रीवियस चैप्टर में, एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है पपाया प्लांट। अब देखिए अगर पपाया प्लांट है और उसका गार्डन है, पूरा पपीते का गार्डन है पपाया प्लांट का, और उसमें मान लीजिए 10 पेड़ हैं, तो 10 पेड़ पे पपाया पपीता नहीं दिखेगा, केवल 4 या 5 पे दिखेगा या 6 पे दिखेगा, सारे पे नहीं दिखेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल प्लांट है, यानी ये डायोसियस प्लांट है, मींस उसी प्लांट पे फ्रूट लगेगा जो फीमेल प्लांट होगा। राइट स्टूडेंट, तो थर्ड एंड फोर्थ डिवाइसेस और ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या हैं, जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोक रहे हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, व्हाट डू मीन बाय सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इट इज़ अ जेनेटिक मैकेनिज्म जिसमें रॉन्ग टाइप पॉलन ग्रेन्स आर नॉट अलाउड टू जर्मिनेट, नहीं अलाउड होता है, और जो रॉ करेक्ट टाइप है मीन्स कंपेटिबल, वो जर्मिनेट होता है। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और प्लांट को बोलेंगे डायोसियस प्लांट, एग्जाम्पल हो गया इसका पपाया। ये दोनों मेथड स्टूडेंट, ये दोनों मेथड रोक सकते हैं दोनों प्रोसेस को, किसको, प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड जीटोनोगैमी, ऑटोगैमी को भी रोकते हैं और जीटोनोगैमी को भी रोकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फॉर योर बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट, और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ओके तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेज आप समझ चुके हैं और याद कर चुके हैं, एक बार फिर से आप मेरे साथ लर्न कर सकते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेज क्या है, ये वो डिवाइसेज है जो प्लांट क्या करता है, सेल पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है और क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करता है। ऐसा क्यों करता है प्लांट, क्योंकि लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो प्लांट की फर्टिलिटी कम हो जाती है। और 4 डिवाइसेज हैं टोटल, फर्स्ट 2 डिवाइसेज आपने पढ़ा वो ऑटोगैमी को प्रिवेंट करता है, ये 2 डिवाइसेज आपने पढ़ा ये दोनों ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी दोनों को प्रिवेंट करता है। एक आपने पढ़ा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसमें रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन और नॉट अलाउड टू जर्मिनेट, और आपने पढ़ा प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो स्टूडेंट आई होप कि आज आपने जो पढ़ा इस लेक्चर में वो आपको समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करने से पहले आप इसको थॉरली तैयार कर लीजिएगा। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर, विल कंटिन्यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।